हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफ से फूड पर। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है हमारे नेटिव प्लेस कारवार की, जिसका नाम है कारवार का खाजा। यूजुअली अगर कोई गांव जाते हैं तो ही ये हमारे घर आ पाता है, तो अगर आपने इसे बनाना सीख लिया इस रेसिपी से तो आप इजीली इसे घर पर बना के खा सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप बेसन, 2 पिंच बेकिंग सोडा, 2 पिंच नमक, 2 चम्मच तेल, 2 कप गुड़ और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक का पेस्ट। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम मैदा ले लेंगे 1 कप जितना, और फिर उसमें इक्वल प्रोपोर्शन में हम डालेंगे 1 कप जितना बेसन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें 2 पिंच जितना नमक, चम्मच के हिसाब से यह है 1/8 टीस्पून। नमक की जितनी ही क्वांटिटी में हमें यहाँ पे लेना है बेकिंग सोडा, तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया है 2 पिंच जितना। हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी है, इसे एक बार जल्दी से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हमें डालना है तेल। तेल यहाँ पे हमने 2 चम्मच जितना इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यह है 1 चम्मच 1 टीस्पून जितना, और ये दूसरा चम्मच। अभी इसे हम अच्छे तरह से पहले मिक्स कर लेंगे पानी डालने से पहले। अब यहाँ पे मैंने पानी इस्तेमाल किया है गुनगुना पानी, और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पानी यहाँ पे थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में डालना है, अगर आप एक साथ डाल देंगे तो आटा पतला हो जाएगा, और हमारा ये आटा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे रखने से पहले हमें थोड़ा सा तेल लेके ग्रीस करना है, ताकि ये ऊपर से सूख ना जाए, क्योंकि बेसन जल्दी से सूख जाता है। इसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, और अब हम चलते हैं इसके बेलने के प्रोसेस की तरफ। अब इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, और एक हिस्सा अच्छे से हाथों में रोल करके फिर चकले पे रख के इसे बेलन से बेलना शुरू करेंगे। इसे बिल्कुल हल्के प्रेशर से बेलना है, अगर ज़ोर से प्रेशर देंगे तो ये कहीं से पतला और कहीं से जाड़ा हो जाएगा। इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है, अब इसमें मैं छुरी की मदद से कट्स लगाना शुरू करूँगी। तो हमें यहाँ पे पतली पतली स्ट्रिप्स कट करना है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर गैप से। अब मैंने यहाँ पे सारे कट्स लगा लिए हैं, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी कट्स लगा दूँगी, क्योंकि हमें ये स्टिक्स छोटी चाहिए, इतनी लंबी इस्तेमाल नहीं करनी है। अब हम यहाँ पे सिंगल सिंगल स्ट्रिप्स उठा के हाथों के बीच में रोल करके इसे खाजा स्टिक का शेप देंगे इस तरह से। तो अभी सारे जो स्ट्रिप्स हैं उठा के इंडिविजुअली आपको हाथों के बीच में रोल करके स्टिक का शेप देना है। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रिफर करती हूँ। हमारी खाजा स्टिक जो है रोल होके बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं इसके फ्राइंग के लिए। तो पैन में तेल गर्म कर ले, और एक एक करके सारी खाजा स्टिक यहाँ पे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। इसे हमें बैच वाइज फ्राई करना है, एक साथ सारी ना डालें, वरना ये कच्ची रह जाएगी। गैस को हमेशा मीडियम फ्लेम पे रखना है, और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ताकि ये एक जगह से कच्ची ना रह जाए। इसे धीरे धीरे से चलाते रहें और कंटिन्यूसली इसे कुक करते रहें। हमें बिल्कुल यही कलर चाहिए, तभी ये परफेक्ट रिजल्ट देंगी। खाजा स्टिक फ्राई होकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसे पेपर टॉवल पे रख लेंगे। इसी तरह से बची हुई स्टिक्स भी आप फ्राई कर लें। अब हम चलते हैं इसकी कोटिंग के प्रोसेस की तरफ। तो कोटिंग के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में गर्म किया है गुड़। यहाँ पे मैंने 2 कप जितना गुड़ इस्तेमाल किया है। गुड़ को अच्छी तरह से गर्म करना है, जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, और इसे कंटिन्यूसली चलाते भी रहना है, वरना ये नीचे से लग सकता है। अब हमारा गुड़ अच्छी तरह से उबल चुका है, तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे 3 से 4 तार वाली चाशनी बनानी है गुड़ की, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेक करते रहें बीच बीच में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, हमें 3 से 4 स्ट्रिंग वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। हमारा गुड़ बनकर बिल्कुल रेडी है कोटिंग के लिए। इससे पहले हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से गुड़ का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और ये थोड़ा झाग वाला हो जाता है। इसे बेकिंग सोडा डालने के बाद में कंटिन्यूसली चलाते रहें, और यहाँ पे एक ऑथेंटिक फ्लेवर देने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है जिंजर। अदरक का यहाँ पे
वरक डालेंगे, यानी कि कद्दूकस किया हुआ अदरक का रस और उसके रेशे। अदरक डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर ले गुड़ में, ताकि फ्लेवर पूरा बैलेंस हो जाए। अब गुड़ हमारा रेडी है बिल्कुल स्टिक डालने के लिए। यहाँ पे सारे खाजा एक साथ डाल सकते हैं और इसे कंटिन्यूसली चलाना भी है, ताकि हर एक जो स्टिक है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए गुड़ में। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से कोट हो चुका है, तो अब फ्लेम हम बंद कर देंगे गैस की और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहे, क्योंकि गुड़ जल्दी ही ठंडा हो जाता है। और अब हमारा खाजा बनकर बिल्कुल रेडी है और ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट्स में भी बताएं। ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।